आपको क्या करना है, एक नीश को आपने पकड़ लिया, नीश क्या है, पॉटरी को पकड़ा फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको इस तरीके से देखो, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, इसी सेगमेंट में हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटीज रेडिली अवेलेबल होती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कि जो आपको अभी तो मिल जाए, लेकिन मान लो उसके 100 ऑर्डर आ गए, अब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अब आप शिप ना कर पाओ। अब आपको चाहिए एक ई कॉमर्स स्टोर, वो कहां से बनेगा? Shopify इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। अब ध्यान से समझो Shopify का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाने निकल गए, ज्यादातर हम गलती क्या करेंगे, मेरा एक दोस्त है इसने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी है मैं इससे बनवा लूंगा, आप भी मरोगे वो भी मरेगा, वो वेबसाइट कभी तैयार ही नहीं होगी, रोते रहोगे बैठे बैठे। तो ये गलती कभी मत करो, इसमें एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है, प्लस कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है किसी और से अगर आप बनवाओगे। Shopify में क्या हुआ, एक ऐसी वेबसाइट है जो अगर आप खुद बनवाने निकल जाते हो तो कम से कम उसमें पता है कितना खर्चा आएगा, जिस लेवल की वो वेबसाइट है लाखों रुपए लगने वाले हैं। तो स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? हार्ड वर्क क्या है कि मैं खुद बनाऊंगा अपनी वेबसाइट, उस लेवल की वेबसाइट बनाने में आपको कई साल लगेंगे प्लस लाखों रुपए लगने वाले हैं, तब भी पक्का नहीं है कि आपकी उस लेवल की वेबसाइट बन पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके पीछे हजारों प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके पीछे हजारों लोग काम कर रहे हैं। वो वेबसाइट आपको कितने में मिल जाती है? Shopify का स्टार्टिंग प्लान क्या है? $29 पर मंथ, मतलब कितने का हो गया, 2000 रुपए महीना हो गया। 2000 रुपए महीने में अपने खुद के डोमेन के नाम से एक ई कॉमर्स स्टोर आपका बन गया है। आप ये कह लो 2000 रुपए महीने में आपका एक स्टोर खुल गया है, यानी खुर्जा बैठे बैठे आप US में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, Shopify में वो सारे ऑप्शन ऑलरेडी है कि अगर कोई US से आएगा तो उसको वहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में दिखेगी, कोई UK से आएगा तो उसको वहां की करेंसी में दिखेगी, यूरोप से आएगा तो वहां की करेंसी में दिखेगी, इंडिया से आएगा तो यहां की करेंसी में दिखेगी। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां पर लिस्ट करते चले जाना है अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपने अपना एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, पहले आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ये प्रोडक्ट आपको समझ आ गया कि हाँ पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल तो है, लोगों को चाहिए ये प्रोडक्ट, एक तो तरीका है वो वहीं जा करके किसी स्टोर से खरीदे, एक है ऑनलाइन खरीदे। तो आपने अपना स्टोर बना लिया, उसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल PotteryBazaar.com। बाजार इसलिए क्योंकि बाजार इज नॉट जस्ट एन इंडियन वर्ड, ये US में भी लोग समझते हैं। तो नाम भी आपने ऐसा रखा जो इंटरनेशनली लोगों को समझ आए, मतलब इंडियंस को भी समझ आया, बाहर को भी समझ आया, सबको समझ आ गया। सो अब आपने क्या किया, अपना एक स्टोर बना लिया, उस स्टोर में आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए, एक तरीके से वो आपके पास में बेसिक स्टॉक हो गया कि अगर एकदम से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया तो वो तो आपके पास ही पड़ा है, वो आपने एज इट इज दे दिया। 50 प्रोडक्ट्स भी लिया, ऑन एन एवरेज 200 रुपए की भी आपको कॉस्ट आई, तो कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई, 10,000 की हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 10,000 की आपने खुद इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी क्यों कर रहे हो अपनी जेब से, ताकि जब आप जाओ किसी मैन्युफैक्चरर से मिलने तो उसको कोई दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, समझ गए? नहीं तो एकदम से आप उठ करके चले जाओगे, वो कहेगा अच्छा क्या करने वाले हो, ये करने वाला हूँ, कहाँ है कुछ दिखाओ, ना आपके पास कोई वेबसाइट है ना कोई स्टोर है, सिर्फ बातें हैं। तो आपने अपना स्टोर बना लिया 10,000 रुपए में, और प्लस 2,000 रुपए महीना आपका वहां पे उसको आपको Shopify वालों को देना, आपका स्टोर तैयार है, आपका अपना डोमेन नेम से। अब आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ओनर हो, अब उस विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप जाते हो, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल टाइप के हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, इनके लिए ऑनलाइन एक स्टोर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए क्या है कि आपने एक स्टोर बनवाया है, ऑनलाइन वेबसाइट बनवाई है लाखों रुपए खर्च के। अब आप दोनों एक लेवल पे हो, बात करने के लिए एक लेवल पे आना जरूरी है ना, पहले अपने माइंड में पहले एक लेवल पे आ जाओ, बाद में उनके सामने एक लेवल पे आओगे। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, ये मैं बता रहा हूं, जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप फाउंडर एंड CEO हो PotteryBazaar के, आप अपने ही उसमें उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप सब कुछ करोगे, आप उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उनको उनके पैसे दे रहे हो, कब खरीद रहे हो, जब बिक रहा है। जैसे जैसे आपका स्टोर बनता चला जा रहा है, मानो 10-20 हजार रुपए में आपका स्टोर पूरा तैयार हो गया, अब आ जाता है इसकी मार्केटिंग कैसे करनी।